एवरीवन, मेरा नाम है यश। मैं हूँ टीम कॉर्ड्स से, कॉर्ड्स जो है एक इजी गिटार प्लेइंग गैजेट। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है इन दिनों। गाने का नाम है तुम ही आना, फ्रॉम द मूवी मरजामा, जिसे गाया है द वेरी अमेजिंग जुबिन नौटियाल ने। सो इस गाने में मेरे साथ है मेरा गिटार एंड ऑल्सो दिस अमेजिंग डिवाइस कॉर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलते हैं इस गाने के कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न पे। सो ये गाने को प्ले करने के लिए मैंने 4 सिंपल कॉर्ड्स यूज किए हैं। सो द व्हाइट की इज द ई माइनर, द येलो की विच इज सी मेजर, द ब्लू वन विच इज डी मेजर एंड द रेड की विच इज जी मेजर। सो सिंपल है कॉर्ड्स। अब चलते हैं इस गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न पे। सो स्ट्रमिंग पैटर्न बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिमाग में ये गाने के लिए एक रिदम सेट कर लें। सो द रिदम इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप मेरे साथ रिपीट कीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैं यूज करूंगा इस गाने में, उसमें सेम रिदम यूज होगा। सो पहला स्ट्रमिंग पैटर्न है फिंगर पिकिंग एंड सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न है परक्यूशन स्टाइल। सो एक एक करके दोनों को देखेंगे। फर्स्ट फिंगर पिकिंग। सो रिदम याद है आपको 1 2 3 1 2 3। सो इस रिदम को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट पार्ट होगा 1 2 3, सेकेंड पार्ट इज 1 2 3, करेक्ट। सो फर्स्ट पार्ट के 1 काउंट पे आप करेंगे अपने थंब के साथ एक डाउन स्ट्रोक, और सेकेंड और थर्ड काउंट में आप यूज करेंगे अपनी फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर, और आप हिट करेंगे ये बॉटम की दो स्ट्रिंग्स इस तरीके से, करेक्ट। सो वो कुछ ऐसे साउंड होगा 1 2 3, ये वो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ रिदम। सेकेंड पार्ट है 1 2 3, उसमें भी आप सेम चीज करेंगे। सो इन दोनों का अगर आप कंबाइन करते हैं तो वो कुछ ऐसे साउंड करेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो है दोनों ही सेम चीज। अब चलते हैं इसके सेकेंड स्ट्रमिंग पैटर्न जो है परक्यूशन स्टाइल। सो परक्यूशन स्टाइल बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको 3 चीजों के बारे में पता हो। फर्स्ट होता है किक, ये होता है किक। सो ये मैंने कैसे साउंड क्रिएट किया। सो आपके स्ट्रमिंग हैंड का जो पाम है उसके बॉटम पोर्शन से आप हिट करेंगे इस सर्कुलर पार्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे। सो कुछ ऐसा साउंड जनरेट होता है, इसे कहते हैं किक। सेकेंड पार्ट हुआ स्ट्रम, सो ये होता है एक नॉर्मल स्ट्रम। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्नेर। सो स्नेर में आपको क्या करना है, पहले अपने गिटार के स्ट्रिंग को हिट करेंगे, फिर उसके बाद गिटार की बॉडी को भी हिट करेंगे। सो कुछ ऐसे साउंड होता, ये हुआ स्नेर। तो पहले मैं गिटार के स्ट्रिंग को हिट कर रहा हूं, फिर जब वही लोअर मोशन पे मैं गिटार के बॉडी को भी हिट करूंगा, ये हुआ स्नेर। सो पहला है किक, सेकेंड है स्ट्रम एंड थर्ड है स्नेर। सो इस स्ट्रमिंग पैटर्न में भी सेम रिदम यूज होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो इसे भी मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। सो फर्स्ट पार्ट के 1 काउंट पे आप करेंगे किक और स्ट्रम एक साथ। सो वो कैसे होगा, सो इसमें मैं पाम से किक भी कर रहा हूं और अपने फिंगर से स्ट्रम भी कर रहा हूं, दोनों एक साथ, करेक्ट। और सेकेंड काउंट पे आप करेंगे एक स्नेर एंड थर्ड काउंट पे आप करेंगे एक स्ट्रम। सो वो होगा 1 2 3, करेक्ट। ये हुआ आपका रिदम का फर्स्ट पार्ट। अब रिदम के सेकेंड पार्ट के फर्स्ट काउंट में आप सिर्फ करेंगे एक किक, इसमें किक और स्ट्रम नहीं करना है, सिर्फ किक करना है। और सेकेंड काउंट पे होगा वही स्नेर एंड थर्ड काउंट पे होगा वही स्ट्रम। सो सेकेंड पार्ट कुछ ऐसे साउंड करेगा। अब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कुछ ऐसे साउंड आता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
करेक्ट, सिंपल। सो अब चलते हैं गाने की तरफ। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार जाने के।